अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब हैरियस होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बन की रेसिपी शेयर करेंगे और इनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ऐसे लास्ट तक देखना। चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ हम सबसे पहले डो को रेडी करने के लिए ले लेंगे 2 कप मैदा और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1.5 टेबल स्पून पाउडर शुगर। एक हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा और ऑयल इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून और 1 पैक इसमें हम ऐड करेंगे यीस्ट का। इसके साथ हम इसमें 4 टेबलस्पून के करीब मिल्क ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। बंस के लिए जो हम डो रेडी कर रहे हैं उसे हम बहुत हार्ड नहीं रखेंगे बल्कि बहुत ही सॉफ्ट से हम डो प्रिपेयर करेंगे। डो को अच्छे से गूंद लेने के बाद हम इस पर लगा देंगे ऑयल और इसे अच्छे से कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम बंस के लिए स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ की प्याज लिया जिसे हम हाफ ऐड करेंगे, तो इसको हम ऑमलेट साइज़ में बारीक काट लेंगे। इसके साथ हमने लिए हैं कुछ लहसुन, तो इनको भी हम बारीक काट लेंगे। अब हम लेंगे हरा धनिया और इसे भी हम बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 हरी मिर्चें, तो इनको भी हम बारीक काट लेंगे जैसे हम ऑमलेट में यूज़ करते हैं। और अब हम ले लेंगे 2 टमाटर और इनकी भी हम सेम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 बैंगन, उनका हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो बेसिकली आज हम बंस के स्टफिंग में बैंगन यूज़ करेंगे। आप इनके अलावा कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इस तरीके से हम बैंगन को बारीक क्यूब्स की शेप में काट लेंगे। अब हम पैन में ऑयल ऐड कर देंगे। पैन में ऑयल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसे भी हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज के सॉफ्ट होने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इन्हें भी हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो बस इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे।
और लास्ट में हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, क्योंकि बैंगन जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंगन की स्टफिंग जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब हम इस पर बस थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और ये बिल्कुल डन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी डो जो है वो भी अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो बस अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इससे अपने बन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम डो को जो है वो पोर्शन में कट कर लेंगे और इसके बाद हम इससे अपने बन तैयार करेंगे। यहाँ पर हम डो लेंगे और इसे हम सर्कल घुमाते हुए एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। और पेड़ा बनाने के बाद हम इसे हाथों की मदद से ऐसा ऐसा फैला लेंगे और इसके बाद इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। और इसके साथ इसमें ऐड करूंगी चैटर चीज़। तो बस अब हम इसे अच्छे से कवर करके राउंड शेप में बन बना लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है बन बनाने का, तो बाकी सारे बन भी जो है वो हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें कुछ मैदा डस्ट करेंगे। और अब हम अपने बनाए हुए बन जो हैं वो एक एक करके इस पैन में ज़रा डिस्टेंस में लगा देंगे, ताकि जब ये बेक हों तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। और अब इन बन्स पर हम लगा देंगे अंडा। और अब हम इन पर लगा देंगे ब्लैक सेसमे सीड्स और इसके बाद हम इन्हें बेक करेंगे। तो माशाल्लाह बन हमारे बेक हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेक हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बन की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इन्हें ट्राई करके दिखाते हैं कि अंदर से कैसे बने। तो माशाल्लाह हमारे बन जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।